नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है बिस्टार्ट एपिसोड नंबर 19 में, जो कि कवर करता है डेली स्टार्टअप न्यूज़। पहली न्यूज़, गुड़गांव बेस्ड इंश्योरटेक स्टार्टअप टॉफी इंश्योरेंस ने बुधवार यानी 17 दिसंबर को घोषणा की कि उसने IVM इंटरसुरूर उम्मीदवार नेटवर्क और फोरिस कैपिटल और एशियन नेटवर्क लैब और कलेरी कैपिटल से सीरीज ए फंडिंग दौर में 5.5 मिलियन डॉलर रेज किए हैं यानी जुटाए हैं। कंपनी अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का विस्तार करने, व्यापारी और ग्राहक अनुभव में सुधार करने, टेक्नोलॉजी बढ़ाने और डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी के लिए फंड का उपयोग करेगी। फाउंडेड इन 2017, टॉफी इंश्योरेंस की शुरुआत निशांत जैन और रोहन कुमार ने की थी। कंपनी का लक्ष्य इंश्योरेंस सस्ता बनाना है रिलेवेंट प्रोडक्ट बनाकर। इससे पहले कंपनी ने कलेरी कैपिटल, उम्मीदवार नेटवर्क और एंसोन वेंचर लैब से सीड फंडिंग में 1.5 मिलियन यानी 10 करोड़ जुटाए थे यानी रेज किए थे। News 2, हालांकि अधिकांश यूनिकॉर्न स्टार्टअप अभी भी प्रॉफिट की दृष्टि से कैश बर्न की समस्या से जूझ रहे हैं। बेंगलुरु बेस्ड ईटेक स्टार्टअप यूनिकॉर्न बाइजू ने घोषणा की है कि उसने फाइनेंशियल ईयर 2019 में प्रॉफिट कमाया है। कंपनी नेट रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में 490 करोड़ से फाइनेंशियल ईयर 2019 में 1341 करोड़ तक इंक्रीज किया है, जिसमें INR 20 करोड़ नेट प्रॉफिट है। ग्रॉस रेवेन्यू INR 520 करोड़ से INR 1480 करोड़ तक बढ़ गया। कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2020 में INR 3000 करोड़ के करीब अपना नेट प्रॉफिट ले जाना चाहती है, लगभग ये दुगना है फाइनेंशियल ईयर 2019 से। News 3, स्प्रिंग बोर्ड वर्कफोर्स अपस्किलिंग के लिए एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। रिच कैपिटल से 11 मिलियन डॉलर यानी 78 करोड़ रुपए रेज किए हैं। फाइनेंसिंग राउंड में पियर्सन वेंचर, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, कॉस्टिनो वेंचर, लर्न कैपिटल और ब्लू फ्लॉक कैपिटल को भी पार्टिसिपेशन करते देखा गया। फाउंडर्स ने कहा कि फंड का इस्तेमाल ऑपरेशन का विस्तार करने, अधिक कोर्स जोड़ने और ऑपरेशन को मजबूत करने के लिए और टैलेंटेड एम्प्लॉय खोजने के लिए किया जाएगा। News 4, सिंगापुर बेस्ड फैशन सप्लाई चेन जिलिंगो ने श्रीलंका की सॉफ्टवेयर कंपनी एंड लिंक इनोवेशन को 15.5 मिलियन डॉलर कैश और स्टॉक डील में एक्वायर किया है। कंपनी ने कहा है कि एक्वाजिशन अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में अपने ग्राहक के लिए और अधिक फ्यूचर लाएंगे, जहां ब्रांड के लिए सप्लाई चेन और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी की कमी है। News 5, अपने कस्टमर को फ्रेश प्रोड्यूस वेजिटेबल प्राप्त करने के लिए अमेजोन रिटेल इंडिया ने बुधवार 18 दिसंबर को घोषणा की कि वो पुणे में एक फ्रेम टू फ्रॉम पायलट प्रोजेक्ट चला रही है, जहां वो सीधे काम करेगा किसानों के साथ, फार्मर से फ्रेश प्रोड्यूस कस्टमर तक पहुंचाएगा। ARIPL फूड रिटेलिंग एंटिटी ऑफ अमेजोन स्टेट में बहुत सारे किसानों के साथ काम कर रही है। कंपनी ने अपने ऑनलाइन चैनल जैसे अमेजोन फ्रेश और अमेजोन प्लेंट्री के माध्यम से नए प्रोड्यूस की सप्लाई करने के लिए कहीं कोल्ड चेन स्टोरेज हब सेटअप किए हैं। आपको हमारा वीडियो कैसे लगा प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमें पता चल सके आपको वीडियो अच्छा लगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि आपको रोज़ लेटेस्ट डेली स्टार्टअप न्यूज़ मिल सके। वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।